बेटी सावित्री जी, यमराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। कहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम बड़ी ज्ञानी और समझदार होने के बावजूद भी आप मेरे पीछे क्यों आ रही हो, क्या कारण है? यमराज जी, क्योंकि आप मेरे पति के प्राणों को लेके जा रहे हो, इसीलिए मैं आपके पीछे आ रही हूं। वो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, उसका निर्वहन कर रहा हूं। यमराज जी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरे पति के प्राण कृपया करके आप लौटा दीजिए। या तो मेरे पति के प्राण लौटाओ या फिर अपनी बेटी के भी प्राण अपने साथ ले जाओ। ना तो तेरे पति के प्राण दिए जा सकते और ना ही तेरे प्राण लिए जा सकते। नहीं, या तो प्राण वापस दे दीजिए या मेरे प्राणों को हर लो। दोनों ही बातें संभव नहीं। मैं अपने पति के अलावा, मेरे पति के अलावा मेरा दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं है और मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अरे सावित्री, ए डाकर साहब, सोना नहीं है, तुम तो एक साल विवाहित आ रही हो, अपने पति के साथ जिंदगी व्यतीत की है। मैंने तो इस दुनिया में बहुत दुखियाएं देखी हैं, जिनके पति भी जीवित होते हैं उसके बावजूद भी उन्हें पति का कोई सुख नहीं मिला। दर बदर की ठोकरें खाती फिरती हैं। और मैंने बहुत सी ऐसी बेटियां भी देखी हैं जो फेरे तले की विधवा हो गई, उसके बावजूद भी वो अपने पतिव्रत धर्म। आपको जो कहना है आप जरूर कहना, लेकिन आप मेरी एक अरज सुनिए यमराज जी। हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी अरज सुनो यमराज। बात बहुत ध्यान पूर्वक सुन। जरूर सुनूंगी, कहिए। होता भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी। सत्वान की जिंदगी इतनी आखरी सतेम बेटी, सत्वान की जिंदगी इतनी आखरी सतेम बेटी। हो बिना पति के दुखियारी की हो, नहीं है माती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चो यमराज।
तेरे सास और ससुर दोनों अंधे हैं, अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत तो दिखता होगा? बिल्कुल भी नहीं। चश्मे से भी नहीं? नहीं। तेरा कोई देवर जेठ? नहीं, वो भी नहीं है। नहीं। एक साल विवाहिता रही हो, बेटा या बेटी तो जरूर होगा? नहीं। कोई बच्चा भी नहीं? नहीं अमराज जी। ए दुखिया, वाकई सावित्री तुम एक असहाय दिखाई देती हो, पर इतना जानने के बावजूद भी कि तेरा कोई सहारा नहीं रहा है, मैं तेरे पति को तो नहीं लौटा सकता तो, लेकिन हाँ तेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करूं। कैसी मदद? सुन ले। कहिए। खुश हो शीश झुका दूंगा, पर लाश के अंदर प्राण दोबारा। क्या? लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। तू और चीज, तू और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना प्रहारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते तो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज रे, हो महाराज रे, मैं फिर मांगू महाराज सुनो या मराज रे, बांधना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? भरोसा है, लेकिन ये मेरी जिद है कि मैं मांगूंगी तभी जब आप तीन वचन भर लोगे। इतना पागल भी मत समझ, मैं जानता हूँ तू तीन वचनों में क्या मांगेगी। क्या मांगूंगी? और वो मैं तुझे दूंगा ही नहीं। नहीं, क्या मांगूंगी और क्या नहीं दोगे आप? सुन ले। कहिए। सत्वान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट एरी राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लियो बुद्धि परवीन। बेखट के मांगो सावित्री, मैंने दे दिए बचन एक दो तीन। बेखट के मांगो सावित्री, मैंने दे दिए बचन एक दो तीन। अरे सास ससुरी अंधे मेरे हो, उन्हें आँखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो।
मेरा वचन तीसरा, वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने ना चाहिए कुछ और, गौर करे अपना वचन निभा। से संतुष्ट हो? बिल्कुल। तो जाओ तथास्तु, वापिस चली जाओ। चली जाऊंगी, तथास्तु तो आपने कह दिया, लेकिन एक बार एक एक मेरा वचन मुझे खोल के बता दो कि कैसे पूरे खोल कर के बताऊं। हाँ कही। ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हो गया। एरी जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज तुम्हारा दिया। दो वचन पूरे किए, तीसरा भी पूरा कर रहा हूं। कर दो। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख दे तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख दे तुझको बेटा प्यारा दिया। अब जा, चली जा। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? अपने घर चली जा और मुझे जाने दे। हैं? मेरे वचन तो पूरे करो पहले, तभी तो जाने दूंगी और तभी मैं जाऊंगी। ताऊ जी चश्मे वाले, वचन पूरे कर दिए कि नहीं कर दिए बता? नहीं किए महाराज, अगर आप मेरे वचनों को पूरा कर देते ना तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहते ही नहीं। मेरी दादी चश्मे वाली वचन पूरे कर दिए कि नहीं कर दिए? ना करे, नहीं करे। कोई तो ऐसा आदमी होगा जो यूं कहे कि हाँ वचन पूरे कर दिए? किए ही नहीं है ना, तो कोई कौन कहेगा, यहाँ कोई है ही नहीं। क्यों नहीं किए? अगर कर देते तो मुझे यहाँ से ऐसे नहीं भगा देते कि जा और हो गए। मैं दोबारा कर देता हूँ। दोबारा कर दो। और सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आँखों का उजियारा दिया। छलते लिया जो दुश्मन ने छीन लिया री वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा वचन तीसरा, मेरा वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। जा जा मत कहो बार बार, चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो आप। अरे ख्याल करो हरे राम बैसले हो, अकल ठिकाने लाओ रे बिना पति, अरे बिना पति पतिवरता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। क्या कहा? या तो वचन हार हो जाओ या मेरे पति को जिंदा। क्यों हो जाऊं? आपने तो कह दिया कि जा, हो जाएंगे वचन पूरे, ऐसे ही हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएंगे? आप ही बताओ कि दुनिया में अगर किसी सती स्त्री का
जति मर्द ही ना हो तो उसके संतान कैसे हो सकते। अगर यमराज कह दे तो लड़का होगा। मेरी दादी, साधु महात्मा के कहने से बालक नहीं होते क्या? आजकल तो मैंने ज्यादा लुगाई महात्मा के आश्रमों पे जाती देखी है कि बाबा एक छोरा चाहिए हमें, ज्यादातर मैंने देखी है। और तू कैसी बात करे, मतलब चाहे तेरा पति हो या ना हो पर तेरा छोरा हो जाएगा, जा चली जा। मैंने जा रही, पति के प्राण लेके जाऊंगी। अच्छा भाई साहब, सचमुच ही बगैर पति के लड़का नहीं हो सकता क्या? ए बड़े बावड़े हो वैसे तो यमराजो, बस प्राण ही लेने आते हैं, कुछ और भी अकल है आपके अंदर? नहीं मैं जानकारी तो कर रहा हूँ, जानकारी तो ले रहा हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, पति चाहिए मुझे मेरा। तो मैं तो तेने फंसा के खड़ा कर दिया। हाँ कर दिए। अब एक बात बता, हाँ। अगर तेरे पति को लौटाऊं तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, हाँ। और नहीं लौटाऊं तो मैं वचनहार हो जाऊंगा। हे बेटी सावित्री, जब तूने मुझे धर्म संकट में फंसा दिया तो तू ही निकाल। यमराज जी, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि जो दुनिया में आया है वो आगे पीछे जरूर जाएगा। मुझे ये भी पता था कि मेरे पति की आयु समाप्त हो गई है। बस तो, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है? बताऊं, अभी आपकी आयु 135 बरस 16 दिन 3 घंटे 15 सेकंड इतना बाकी है। महाराज, अगर मेरी इतनी आयु अभी बाकी है तो इसी में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए, मेरा पति जीवित हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, आपके वचन पूरे हो जाएंगे और दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ, और दुनिया को छोड़ेंगे तो भी साथ साथ, महाराज तो भी साथ साथ। हो यम राज हुए लाचार रे लाचार रे, यम राज हुए लाचार हार के, अरे प्राण लाश में